Now we will discuss converse of basic proportionality theorem here. In our last video we covered BPT. तो आप लोग पहले BPT समझिएगा, उसके बाद आपको कन्वर्स सीखना है. सो नाउ व्हाट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ कन्वर्स. इससे पहले हमें BPT का स्टेटमेंट याद होना चाहिए. BPT कहती थी अगर ट्राइंगल ABC गिवन है और आपने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की है बेस के या फिर किसी भी एक साइड के, तो जो दो साइड हैं वो सेम रेशियो में ब्रेक हो जाती हैं. यानी अगर DE पैरेलल BC है तो AD अपॉन DB बराबर बैठेगा AE अपॉन EC के. कन्वर्स क्या हो सकता है? कन्वर्स ये होगा अगर आपने किसी ट्राइंगल में एक रैंडम लाइन बनाई है एक साइड के पैरेलल और साइड का रेशियो बराबर ब्रेक हो गया, तो जाहिर सी बात है आपने वो लाइन पैरेलल ही बनाई होगी. ये कन्वर्स है हमारा BPT का. तो यानी यहाँ पर गिवन क्या है? गिवन हमारा है रेशियो इज इक्वल. इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड. ये आपको दिखाना था. सो गिवन इज रेशियो इज इक्वल. सो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. ये गिवन है आपको. शो क्या करना है देखिए, टू शो क्या लाना है? हमें लाना है DE मस्ट बी पैरेलल टू BC. यानी जो लाइन ड्रॉ की गई है वो थर्ड साइड के पैरेलल होनी चाहिए. पहली दो तो ये वाली है, तीसरी ये वाली है. तो चलिए प्रूफ पर आते हैं. इससे पहले चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं. देखिए हमने सपोज कर लिया कि DE BC के पैरेलल नहीं है, क्योंकि इसे तो लाना है ना, तो हम कैसे मान के चल सकते हैं पैरेलल. सो लेट DE इज नॉट पैरेलल टू BC. तो हमें एक पॉइंट लेना पड़ेगा ताकि हम उसे ज्वाइन करने के बाद पैरेलल दिखा सके साइड को. सो लेट E बी अ पॉइंट ऑन AC. E तो ऑलरेडी है, इसे हमें ई डैश नेम देना चाहिए. लेट ई डैश बी अ पॉइंट ऑन AC सच दैट ई डैश, हमने एक पॉइंट यहाँ ले लिया है और हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये डी ई डैश बी सी के पैरेलल है. हमने ये मान लिया. जब डी ई बी सी के पैरेलल नहीं है तो कोई ना कोई तो लाइन होगी जो पैरेलल होगी बी सी है, तो हमने उसे मान लिया डी ई डैश. लेट ई डैश बी अ पॉइंट ऑन ए सी सच दैट डी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी. और हम जानते हैं अगर दो लाइन पैरेलल हो तो बी बी टी वेरीफाई हो सकती है, यानी बी बी टी लिखी जा सकती है आगे. तो हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी बाय बी पी टी. इसे आप इक्वेशन वन मानिए जो गिवन है, इसे आप सेकेंड कह दीजिए. यानी जब लाइन पैरेलल आप बना चुके हैं तो वो साइड्स को सेम रेशियो में ब्रेक करेगी, तो हमने लिख दिया है रेशियो ब्रेक करके. अब वन और टू को कंपेयर कीजिए. फ्रॉम वन एंड टू वी हैव क्या आ रहा है? देखो ए डी अपॉन डी बी तो सेम है, हमारे पास आ रहा है ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी. यानी ए ई अपॉन ई सी का रेशियो वही है जो ए ई डैश अपॉन ई डैश सी का है, लेकिन हमारा मकसद था इसको इसके पैरेलल शो करना. अगर हम किसी तरह ये शो कर दें कि ये दोनों लाइन एक ही हैं जो पैरेलल बनाई गई है और जो दी गई थी, तो इसका मतलब ये दी हुई लाइन पैरेलल हो जाएगी बेस के और हमारा काम हो जाएगा. तो यानी मुझे डी ई डैश को डी ई के बराबर दिखाना है. तो कैसे दिखा सकते हैं? देखिए क्या हम दोनों साइड वन ऐड कर सकते हैं? मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? देखो ए ई में अगर मैं वन पार्ट ऑफ ई सी ऐड कर दूँ तो पूरा ए सी तैयार हो जाएगा. इसी तरह अगर मैं ए ई डैश में वन पार्ट ऑफ ई डैश सी ऐड कर दूँ तो पूरा ए सी तैयार हो रहा है. यानी ऊपर वाला पार्ट हमारा सेम हो जाएगा, तो नीचे को हम इक्वल रख सकते हैं. तो देखिए कैसे करना है, दोनों में वन ऐड करना है हमें. तो ई सी एल सी एम हो जाएगा. देखो अपॉन वन मानोगे यहाँ दोनों में. सो ई सी इंटू वन ई सी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम ए ई प्लस ई सी. अब यहाँ भी एल सी एम लिया ई डैश सी क्रॉस मल्टीप्लाई ए ई डैश प्लस ई डैश सी. दिस इम्प्लाइज ए ई में ए सी ऐड करो, ए ई में ए सी जोड़ दो तो पूरा ए सी तैयार हो गया है. सो ए सी अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू ए ई डैश में ई डैश सी ऐड करना है, ए ई डैश में ई डैश सी ऐड करना है, तो पूरा ए सी बन गया. यहाँ से भी ए सी अपॉन ई डैश सी, देखो ये इससे कैंसिल हो सकता है वन वन, तो क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से ई डैश सी इज इक्वल टू ई सी.
यानी e डैश थ्री का मतलब ये जो लाइन यहाँ से यहाँ तक का गैप है वो इसी डिस्टेंस के बराबर है ना। जब ये दोनों गैप बराबर है इसका मतलब e डैश और e कोइंसाइड कर जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, तभी ये बराबर है ना ये चीज़ कि यानी ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ कब बराबर होगी, जब ये पॉइंट इसके ऊपर एग्जैक्टली आ जाए तभी तो ये डिस्टेंस सेम है। सो दिस इम्प्लाइज e डैश मस्ट कोइंसाइड्स विद e, यानी e डैश और e सेम ही पॉइंट है। जब e डैश और e सेम है तो de डैश भी de के बराबर होनी चाहिए, यानी जो लाइन पैरेलल सोची गई है वो गिवन लाइन के ही बराबर है। हेंस de इज पैरेलल टू bc, दैट इज अवर प्रूफ। सो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड अवर प्रूफ ऑफ कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब देखिए ये प्लस वन को ऐड करने का जो रूल है वो आपको कहाँ कहाँ लगेगा, ये आपके एग्जांपल में भी इस्तेमाल करेंगे आप 6.2 में, और इसके 6.2 एग्जांपल में भी और एक्सरसाइज में भी इस्तेमाल करना है। तो कहाँ लगाना है, देखो जहाँ भी हमें एक पार्ट की मदद से पूरी साइड बनानी हो ना, तो यानी हमें वन ऐड करना है, वन पार्ट ऐड करना है। तो जैसे हमें यहाँ बनाना था ए ई अपॉन ई सी से मुझे ए सी बनाना है, मुझे ए ई अपॉन ए सी से ए सी अपॉन ई सी चाहिए, यानी ए ई को हटाकर पूरी साइड चाहिए ए सी, तो यानी मुझे वन ऐड करना पड़ेगा, वन पार्ट ऑफ ई सी। तो इसीलिए यहाँ हम प्लस वन करते हैं ताकि एल सी एम में जाकर ई सी प्लस ए ई, ई सी प्लस ए ई मुझे पूरा ए सी दे दें। तो यानी आप प्लस वन भी ऐड करेंगे, यहाँ वन पार्ट ऐड करते जाएंगे ताकि टोटल साइड आपको मिल जाए। तो ये तो प्रूफ था आपका कन्वर्स ऑफ बी पी टी का। अब आपको दोनों थ्योरम अच्छे से आनी चाहिए, मेन थ्योरम भी और कन्वर्स भी। अब हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन बी पी टी एंड कन्वर्स, ताकि आप अच्छे से 6.2 कर पाएँ। थैंक यू।